इंसानों के घर में तुम जैसी इच्छाधारी नागिन का क्या काम? अगर इंसानों के घर में इच्छाधारी नागिन की कोई जगह नहीं तो तुम्हारा क्या काम? तुम एक डायन हो। तुम जो कोई भी हो, अब नहीं बचोगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। बस मुझे इतना बता दो कि वो नागिन तुम्हारी क्या लगती है। राधिका, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो। एक बार एक पत्नी की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन उसके एहसास धोखा कभी नहीं खा सकते। तुझ जैसा इंसान मेरा क्रश हो ही नहीं सकता। बताओ मुझे, कहाँ छुपा के रखा है मेरे क्रश? उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा और नागिन का रिश्ता क्या है। जहां कहीं भी है अब नहीं मिलेगा, समझी? तुझे भी कभी नहीं पता चलेगा कि वो इच्छाधारी नागिन कौन है। और उसका मेरे साथ रिश्ता क्या है? जब दो शक्तियां आपस में टकराती है तो एक शक्ति का मरना तो निश्चित है। आज हमारी ये लड़ाई भी किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी, और यहां मौत होगी तेरी। क्योंकि मैं अपने मकसद को पूरा किए बगैर नहीं मरूंगी। तेरे इसी मकसद को तो जानने मैं इस घर में आई हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दर्द अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा देता है। देखते हैं तू ये दर्द कब तक सह सकती है। आज तू मेरे हाथों से मरेगी। और तेरी वो दोस्त, वो नागिन, प्रीति के हाथों से। अगर तू मुझे बता भी देती तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ता। तुझे सब कुछ पता जो चल चुका है। तेरा मरना तो तय है।
ताकत मेरे सिंदूर से है और एक सुहागन के सिंदूर में कितनी शक्ति होती है ये तुझ जैसे शैतान को अभी पता चल जाएगा। को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक डायन के अंदर इतनी शक्तियां होती है जिसका मुकाबला एक इच्छाधारी नागिन कभी नहीं कर सकती। जब धरती हिलती है
तब ऊंची ऊंची मीनारें भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाती है। तुम कुछ देर तो मेरी शक्तियों का मुकाबला कर सकती हो, लेकिन एक डायन से तुम कभी नहीं जीत सकती। तुम्हारी हालत तो मैं इससे भी बदतर करूंगी। इसे तो मैंने सिर्फ अपाहिज किया है, तुम्हें तो मैं मार डालूंगी। इन सबको आज तक यही लगता था कि ये सुहाग रात की रात सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन ये गिरा नहीं थे, इन्हें तो गिराया था, वो भी मैंने। इसने गिराया था, इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे पंगा नहीं ले सकते। इन्हें सर उठाकर टन कर चलने की आदत थी, और मुझे मेरे सामने कोई सर उठाकर चले पसंद नहीं आता। और ये मेरे ससुराल वाले, इन्हें नहीं पता था कि मैं एक डायन हूं, फिर भी ये मुझसे डरते थे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं इन्हें शैतानी भस्म खिलाया करती थी और ये मेरे वश में रहते थे। अब काली शक्ति के आगे खिसकी चली है जो तुम्हारी चलेगी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी? कभी नहीं, तुम्हें तो मैं हवा की तरह गायब कर दूंगी। और अगर हवा अपने पर आ जाए तो मौसम के मिजाज बदल देती है। मेरे आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, ये तेरी गलतफहमी है। तूने अपनी ताकत शैतान से हासिल की है और मुझे मेरी शक्ति मेरे जन्म, मेरे कर्म और मेरी सच्चाई ने दी है। और सच्चाई की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। तू मेरा सामना कभी नहीं कर सकती। तू जिस घर को बर्बाद करने के मकसद से आई है, उस घर की रक्षा करना मेरा मकसद बन चुका है। क्योंकि मैं इस घर में एक अधूरी कहानी पूरी करने आई हूं। राधिका और कृष की अधूरी कहानी। मुझे तो लगा था कि तुम इस घर में किसी बड़े काम के लिए आई हो, लेकिन तुम तो प्यार व्यार की बातें करने वाली नागिन निकली। प्यार में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द लग जाएगा। देखते हैं। तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन राधिका और कृष को कभी अलग नहीं कर पाएगी। ये तो वो कहानी है जिसके लिए भगवान को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। भगवान ने मनस्विनी और माधव को नया जन्म दिया, कृष और राधिका के रूप में, ताकि वो अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सके। लेकिन तूने उन्हें अलग करके ऊपर वाले के फैसले को ललकारा है। मैं और राधिका जानते हैं जिस कृष के लिए तूने राधिका के दिल में नफरत भरी है वो कृष है ही नहीं। बल्कि वो एक बहरूपिया है। तो बताओ प्रीति, असली कृष कहाँ है?
आज सच पता चल गया है। यश को कहाँ छुपा रखा है तुमने? बोलो। वो कृष्ण नहीं है ना? कौन है वो बहरूपिया? तुम लेकर आई हो ना उसे? मोहरा है जिसकी बिसात मैंने बिछाई है और असली कृष वो मेरे कब्जे में। हो गया कबाड़ा। और बहुत जल्द मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। मैं जानता था मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। पता डायन कहाँ है मेरा भाई? आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मेरा कृष कहाँ है? कहा ना, कोई नहीं बोलेगा। आज अगर ये कहानी खत्म होनी तो ये तेरी मौत के साथ खत्म होगी। बहुत जल्दी तुम्हारा और उस भैरोपिया का पाप का घड़ा भरने वाला है। तुम दोनों नहीं बचोगे। तुझे गलत, तो मुझसे बच जाएगी। मौत से और मुझसे बचना आसान नहीं। चल। आज सिर्फ ये नागिनी नहीं, ये भी मरेगी। खुद को बहुत चालाक समझती है, मुझसे भाग रही थी, मुझसे। एक लव स्टोरी में हीरो हीरोइन दोनों का होना चाहिए, लेकिन इस कहानी में इस हीरोइन का अंत तय है। तुम्हारी वो कहानी तब भी अधूरी थी और आज भी अधूरी ही रहेगी। इस नागिन के साथ तुम भी मरोगे। इसे सब पता चल चुका है।
का मरना जरूरी है।